नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। देहरादून नगर निगम का एक और नया कारनामा सामने आया है। नगर निगम ने स्वच्छता के नाम पर बड़ा घोटाला किया है। दरअसल निगम पार्षदों ने अफसरों के साथ मिलीभगत कर मोहल्ला स्वच्छता समितियों की आड़ में लगभग 60 करोड़ से अधिक की धनराशि का दुरुपयोग किया है। निगम के 100 वार्डों में 1021 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई, लेकिन इनमें से अधिकांश को फर्जी पाया गया। ये खुलासा हुआ है आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी के द्वारा। एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार पार्षदों ने जो पर्यावरण मित्र तैनात किए हैं उनमें कई गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एडवोकेट विकास नेगी ने आरटीआई के माध्यम से नगर निगम से मोहल्ला स्वच्छता समिति की नई सूची 2019 मांगी थी। आरटीआई से मिली इस सूची में सभी 100 वार्डों के पार्षदों द्वारा 1021 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इन कर्मचारियों को प्रतिदिन 500 रुपये मिलते हैं और जानकारी के मुताबिक ये राशि पार्षद के माध्यम से इन कर्मचारियों को वितरित की जाती है, यानी पार्षद सीधे तौर पर इन कर्मचारियों को 500 रुपये देंगे। सूची में लगभग हर वार्ड में तैनात कई कर्मचारियों के नाम और पते को लेकर संशय की स्थिति है। आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूची में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पते दर्ज नहीं है। नगर निगम के 100 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में पार्षदों ने कम से कम 5 कर्मचारी तैनात किए हैं, जबकि एक वार्ड में 20 कर्मचारी भी रखे गए हैं। इसके अलावा 5 वार्डों में 16-16 सफाई कर्मचारी रखे गए हैं। सफाई कर्मचारियों में गोदियाल, नेथानी, शर्मा, गहलोत, रावत, चौहान, गुप्ता भी शामिल हैं। शुभम नाम के 15 से भी अधिक लोग हैं, इनका पता ही नहीं है। एक वार्ड में 2 शुभम हैं और उनका पता 3 और 4 साला वाला हाथी बड़कला दिखाया गया है। आरटीआई से मिली लिस्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। यदि 4-5 वार्डों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी वार्ड में संदिग्ध कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कई पर्यावरण मित्रों का पूरा नाम और पता भी नहीं है। कई पार्षदों ने ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, रुड़की के अलावा उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आजमगढ़ के कर्मचारियों को भी अपनी टीम में शामिल किया है। बता दें कि नगर निगम के प्रशासक सोनिका के आदेश पर इन कर्मचारियों का भौतिक सत्यापन किया तो अधिकांश कर्मचारी नदारद मिले। एडवोकेट विकेश नेगी ने बताया कि ये पैसा निगम से सीधे पार्षद के खाते में जाता है, जिसके बाद उन्होंने सवाल किया कि किस तरह की व्यवस्था को वित्तीय अनुमति कैसे प्रदान की गई, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। यह सरासर प्राकृतिक नियम के खिलाफ है। नियमों के तहत काम करने वाले कर्मचारी को ही वेतन का सीधे भुगतान किया जाना चाहिए, ना कि पार्षदों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि एक वार्ड से औसतन 10 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई है। इस आधार पर औसतन एक पार्षद को हर महीने 1 लाख रुपए मिले। पिछले साल में इस आधार पर लगभग 60 करोड़ रुपए मोहल्ला सुधार समितियों के नाम पर खर्च कर दिए गए। इससे निगम की कार्यशैली पर जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। एडवोकेट नेगी के अनुसार स्वच्छता समिति के कर्मचारियों की जो सूची उन्हें आरटीआई के तहत उपलब्ध कराई गई थी उसमें भी बदलने के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय अनियमितता है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। एडवोकेट विकेश सिंह नेगी के मुताबिक इस पूरे मामले में एक उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और वित्तीय अनियमितता करने वाले पार्षदों के खिलाफ रिकवरी के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर नगर आयुक्त मानो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने घोटाले के सवाल पर यह कहते हुए अपना उत्तर दिया कि जांच की जा रही है। देखिए, इसमें प्राप्त सूचना अनुसार जिलाधिकारी कार्यालय से इसमें एक इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन किया गया है जांच के लिए, और वो कमेटी अपना काम जल्दी शुरू कर देगी और उसके उपरांत चीज़ें जो भी होंगी वो सबके सामने होंगी।